स्टूडेंट्स, आज हम लोग डे नंबर 9 में देखेंगे यूनिट नंबर 4, लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स मेक अप द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार चीज़ों का जो माहौल है, फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, वो किस तरह की मुख्तलिफ थिंग्स जो हैं वो मिलकर बनाती हैं, ये हमने देखना है। तो हम देखेंगे द थिंग दैट मेक अप द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार चीज़ों का माहौल इन्वायरमेंट बनाती हैं, उनमें क्या क्या आ जाता है। इंक्लूड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इनमें जो है ना वो माहौलियाती फैक्टर्स आ जाते हैं कुछ, जिसमें क्या है, सनलाइट है, रेनफॉल है, टम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड सच फैक्टर एज ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर। अब वाटर जो है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होती है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो बनाती है। एंड ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस कहते हैं गंद मंद को, बाकियात को, तो ये भी हमारे लिविंग जो इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट, उसका एक हिस्सा है। एंड द डिग्री ऑफ एयर पोल्यूशन, और हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर पोल्यूशन है, इसकी कितनी डिग्री है, कितनी हद तक पोल्यूशन मौजूद है, ये भी हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है। उसके बाद है, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की डायरी, तो डायरी में आपने क्या करना है, लर्न करना क्वेश्चन नंबर 2 एंड राइट ऑन योर नोटबुक। थैंक यू।